तो भाई तुम्हारा भाई चौथा पार्ट लेकर आ गया कि अपनी दोस्त को गर्लफ्रेंड कैसे बना सकते हैं। तो इसके ऑलरेडी मैं 3 पार्ट बना चुका हूं, अगर तुमने नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो के लिंक दे दूंगा, जाकर देख लेना। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पिछले वीडियो में मेरी इससे यहाँ तक चैट हुई थी जब इसने मुझसे कहा था लेकिन मैंने बहुत रिश्ते टूटते हुए देखे हैं प्यार में। तो जब इसने ऐसा बोला तो मैंने कहा और मैंने कितने रिश्ते ऐसे देखे हैं जो सोशल मीडिया पर मिलते हैं और आज शादी करके खुशी से ज़िंदगी बिता रहे हैं। तो ये सुनकर इमोशनल होकर कहने लगी, पर यार मुझे डर लगता है। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा डर रही थी, तो ये सोच रही थी कहीं प्यार के चक्कर में हमारी दोस्ती भी ख़त्म ना हो जाए। मैंने कहा अगर अच्छा सोचोगी तो अच्छा होगा और बुरा सोचोगी तो बुरा ही होगा। तो यहाँ पर ये सैड होने लगी। मैंने कहा तुम्हारी खामोशी देखने नहीं बैठा हूँ मैं, मुझे जवाब दो हाँ या ना में। और गुस्सा होने लगा। तो कहने लगी अगर मैं ना बोलूँ तो? मैंने कहा तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ कि हाँ ही बोलना है, अगर ना है तो ना भी बोल सकती हो। तो कहने लगी ना बोलूँगी तो तुम चले जाओगे। तो इसको ये भी डर था कि कहीं मैं चला ना जाऊँ और हाँ बोलने से भी डर रही थी। तो मैंने कहा हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें पाने के लिए तड़प रहा हूँ और तुम्हारे पास रहा तो और ज़्यादा तड़प होगी तुम्हें पाने की। तो रोकर कहने लगी ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? तो मैंने कहा क्या परेशानी है, ना बोल सकती है ना? और गुस्सा होने लगा। तो ये रोने लगी। तो मैंने कहा बाय, अब मैसेज मत करना मुझे। तो तुम्हें भी ऐसे ही करना है, बाय बोल देना है और ये बोल देना है कि अब मैसेज मत करना। इस बात से नहीं डरना है कि वो सच में नहीं करेगी, अगर उसको तुमसे सच में लगाव होगा ना, थोड़ी बहुत भी मोहब्बत होगी तुम्हारे लिए उसके दिल में, तो वो तुम्हें जरूर रोकेगी। जैसे इसने कहा, जब मैंने इससे कहा ना कि अब मैसेज मत करना मुझे, तो कहने लगी नो प्लीज़ सुनो। मैंने कहा क्या है? तो इसने कहा प्रॉमिस करो तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। तो यहाँ पर ये कहने लगी, जब ऐसा बोला तो मैंने कहा कभी भी लड़के नहीं छोड़कर जाते लड़कियों को, लड़कियाँ छोड़ती हैं हमेशा। तो ये बात सुनकर कहने लगी मुझे उन सब से कंपेयर मत करो। तो मैंने कहा तो क्यों कर रही है ऐसी बातें? तो कहने लगी नहीं तुम प्रॉमिस करो। मैंने कहा ओके प्रॉमिस, नहीं जाऊँगा कभी। तो कहने लगी मैं तुम्हें खोने से बहुत डरती हूँ, और इमोशनल होने लगी। तो मैंने कहा जैसे मैं तो डरता ही नहीं हूँ। तो कहने लगी ऐसी बात नहीं है, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। मैंने कहा हमेशा, जैसे तुम कहोगी वैसा ही होगा। तो इसने कहा वो तो जानती हूँ मैं, इसलिए तुम्हें पसंद करती हूँ। मैंने कहा पसंद करती हो तब करती हो इतने ड्रामे। तो इसने कहा तुम नहीं समझोगे, देखना अगर तुमने कभी छोड़ने की कोशिश की मुझे, मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। तो मैंने कहा ओके अब बोलो। तो इसने कहा क्या? तो मैंने कहा जो मैं सुनना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखो फाइनली इसने बोल ही दिया। तो देखो यहाँ पर मैंने इसके 4 पार्ट बना दिए, क्योंकि ये बातें सब एक ही मिनट में तो हो नहीं सकती, या एक दफ़ा में तो हो नहीं सकती कि मतलब आज ही हमें कोई लड़की मिली है और आज ही हमने उसको प्रपोज कर दिया वो एक्सेप्ट कर लेगी। पहले हमें लड़की से बातें करनी पड़ती हैं, फिर उसको ये दिखाना होता है कि हमारा नेचर कैसा है, हम किस तरह के बंदे हैं। तो लड़की जब हमारा नेचर जान लेती है, उसको ये पता चल जाता है हम अच्छे इंसान हैं या नहीं हैं, तो उसके बाद ही वो हमें एक्सेप्ट करती है। तो इसलिए यहाँ पर मेरे 4 या 5 पार्ट बन जाते हैं, 3 पार्ट बन जाते हैं। तो इसीलिए, तो अगर तुमने इसके 3 पार्ट और नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो फाइनली हमारा 14 पार्ट कंप्लीट हो चुका है, जो हमारा मकसद था। तो अब तुम्हें पता चल गया कि अपनी दोस्त को गर्लफ्रेंड कैसे बना सकते हो। तो हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो पर अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।